चलिए आगे हैं सभी। जय हिंद। जय हिंद सर। ये देखिए आज भाई हम पार्ट टू को डिस्कस करेंगे। एवरेज चैप्टर हमने शुरू किया था, ठीक है। एवरेज का हमने पार्ट वन कर लिया है जिसमें लगभग हमने 15 टू 16 क्वेश्चन है उनको डिस्कस किया है। आज इसका पार्ट टू डिस्कस करेंगे जिसके अंदर जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये देखिए एवरेज पार्ट टू, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन उनको डिस्कस करेंगे। लैंग्वेज है ऑलवेज इंग्लिश और हिंदी दोनों रहता है, तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले वो स्टेटमेंट को इंग्लिश में देख लेना है और जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में देख लेना है। सबको पता है एवरेज का मतलब क्या था और औसत क्या था, बीच का नंबर, ठीक है। बीच का जो नंबर है या जिसको मिडल नंबर बोलेंगे हम, मिडल नंबर ही अपना क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। और एवरेज कैसे निकलेगा, जो टोटल है ना सभी संख्याओं का जोड़ करेंगे, जितने भी नंबर हैं उन सभी को जोड़ के और जो नंबर है ना उससे डिवाइड कर देंगे। तो जैसे 1 2 3 4 5 ये चार है तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, अगर दो है 1 और 2 तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा। और एक चीज बताई थी कि जहां पे अंतर बराबर हो, जहां पे डिफरेंस बराबर हो उस जगह पे हमें क्या सोटिक लगानी है, पहले नंबर का और लास्ट नंबर का हमें क्या करना है, जोड़ करना है और उसको किससे डिवाइड करना है। तो पहला पार्ट है, सबको क्लियर है। चलिए अभी ये सेकंड पार्ट है इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, स्टेटमेंट को पढ़िए और इसका आंसर निकालिए क्या आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे बच्चे आंसर निकालिए इसका कि आंसर क्या हो जाएगा। 6 संख्याओं का औसत 12 है, एक नई संख्या शामिल करे तो औसत 1 कम हो जाता है, नई संख्या क्या है। सब स्टेटमेंट को पढ़ के आंसर बताओ क्या आंसर हो जाएगा। 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 या 5 या और बच गए 2 और 6 कौन सा होगा। चलिए बोर्ड पे ध्यान दे लो, समझ लो सारे बच्चे, कितनी संख्याएं हैं, 6 और सबका एवरेज क्या है 12, तो इसका मतलब टोटल क्या हो जाएगा। ये बात समझो तुम एक बार, जैसे 3 नंबर दे दे, एक नंबर है 8, एक नंबर है 16, एक नंबर है 21, ये 3 नंबर है ये, ठीक है। इनको जोड़ दिया 8 और 6 और 14 और 1 15, 2 और 1 3 और 1 कितना हो गया 4, ये टोटल इनका कितना हो गया। अब अगर इनका एवरेज पूछे ना तो ये टोटल इनका 45 और ये नंबर कितने हैं, 3 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा और 3 से कितने पे जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को पता है ये क्या बोल सकता है, ये बोल सकता है कि 3 संख्याओं का औसत 15 है। क्या बोल सकता है, 3 संख्याओं का औसत है वो 15 है, एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 15। तो इसका मतलब क्या है, हमें 3 की और 15 की गुना करनी है, क्या हो जाएगा, और ये 45 ऐसे आ जाएगा टोटल। अब इसने बोला 6 संख्याओं का औसत कितना है, तो इसका मतलब इन सभी का टोटल क्या है। समझ में आई क्या बात, ये अलग अलग नंबर थे 3, हमने तीनों को जोड़ा कितना बना 45, एवरेज निकाला तो कितना आया 15, इसका मतलब क्या हो गया, 3 संख्याओं का औसत 15 तो इनका टोटल कितना 45। यही बात यहां पे बोल रहा है, 6 संख्याओं का औसत क्या है 12, तो इसका मतलब इनका टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 72। उसके बाद में देखिए क्या बोल रहा है, एक नई संख्या शामिल करने पर। अब ये बताओ पहले कितनी संख्या थी, 6, एक और नई मिला ली तो अभी कितना होगा, औसत 1 कम हो जाता है, पहले औसत क्या था और 1 कम हो गया तो कितना हो गया, इसका मतलब अब टोटल कितना बन गया। अब यहां पे ध्यान दो, पहले कितने नंबर थे 6, सबका टोटल क्या था, और अब एक नंबर बढ़ गया कितने हैं और सबका टोटल कितना है, इसका मतलब कितना बढ़ा, तो वो नई संख्या क्या है 5, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है सबको। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकालो, ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट को और उसके बाद में करेक्ट आंसर बताओ मेरे को क्या हो जाएगा। राइट आंसर आना चाहिए पक्का सबका भाई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और राइट आंसर बनना चाहिए। चलिए बताओ जल्दी से शाबाश क्या हो जाएगा।
कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन फास्ट करनी है, स्टेटमेंट को पढ़ना है और क्वेश्चन का फास्ट आंसर निकालने की कोशिश करनी है। 33 होगा पक्का? चलो पढ़ो क्वेश्चन को। छह संख्याओं का औसत कितना है? एक संख्या निकाल देते हैं तो औसत क्या हो जाता है? 12। ये पूछ रहा है निकाली गई संख्या क्या है। क्लियर है? सबसे पहले इनका टोटल निकालेंगे, कितनी संख्या है? 6। और एवरेज क्या है? 15.5। अब एक टाइम के लिए पॉइंट को भूल जाओ और इसका नॉर्मल गुना करो, ठीक है? ये नंबर क्या है? 155। किससे गुना करनी है? 6 से। 6 पाँचे 30, कैरी कितना होगा? 3। 6 पाँचे 30 और 3 33, कैरी 3। 6 कम 6 और 3 9, इनकी गुना कितनी होती है? और पॉइंट कितने अंक के बाद है? एक के बाद में पॉइंट लगाओगे तो इसका मतलब गुना क्या बनती है? 93। क्या ये बात क्लियर है सबको? जब कभी भी पॉइंट आता है ना तो ऐसे डरना नहीं, इसका नॉर्मल गुना कर लो और पॉइंट के बाद में जितने अंक होते हैं ना उतने के बाद में ही फिर पॉइंट लगा दो। अब ये देखो, पहले वाले क्वेश्चन में एक संख्या ऐड करी थी, अभी टोटल कितनी संख्या थी? 6। एक संख्या निकाल दी तो क्या होगी? 5। और औसत क्या हो गया? 12 पाँचे क्या हो जाएगा? 60। जब 6 संख्या ना तो टोटल कितना है? 93। और जब 5 संख्या तो टोटल कितना है? माइनस कर दो, कितना बच जाएगा? वो निकाली गई संख्या क्या है भाई? समझ में आया कि नहीं आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद में आंसर बताना है। सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 8 आदमियों का औसत वजन 2.5 केजी बढ़ जाता है जब उनके स्थान पर 56 किलोग्राम के एक नया आदमी आता है, नए आदमी का वजन क्या है? ध्यान से देख के आंसर बताइए, शाबाश, क्या हो जाएगा? सिंपल क्वेश्चन है। चलिए बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे, 76। चलो देखेंगे क्या हो जाएगा, समझ लो इसका। देखो तुम्हें डिटेल में भी बताऊंगा और शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कैसे करना है। कितने आदमी हैं? 8। औसत वजन कितना किलोग्राम बढ़ जाता है? 2.5 किलोग्राम क्या हो जाता है जब उनके स्थान पर 56 किलोग्राम के एक सदस्य की जगह पर नया आदमी आ जाता है। ध्यान से देखना, इसमें पहले किसी का वेट नहीं बताया, डायरेक्ट इसने बता दिया आदमी 8 है और सबका औसत भार 2.5 केजी बढ़ जाता है। एक 56 किलोग्राम का आदमी जाता है और उसकी जगह पे नया आदमी आ जाता है, तो ये बताओ क्या नंबर पे कोई फर्क पड़ेगा? नंबर तो 8 ही रहेंगे। और सबका वेट कितना केजी बढ़ जाता है? जब एक आदमी का वेट 2.5 किलो बढ़ जाएगा तो 8 आदमियों का कितना वेट बढ़ेगा भाई? 8 गुना में 2.5। अब देखो, अगर सबका वेट 2-2 केजी बढ़ता, 8 × 2 = 16, 500 ग्राम आधा किलो बढ़ेगा 4 किलो, और तो कितना हो जाएगा? 20 किलोग्राम बढ़ जाएगा। यहां पे अगर 20 किलोग्राम कैसे आ कंफ्यूज होते हो तो वही डायरेक्ट 2.5 का पॉइंट हटा दो, 25 लिखो, 8 से गुना कर दो, 8 × 5 = 40, कैरी कितना होगा? 4। 8 × 2 = 16 और 4 कितना होगा? कितने अंक के बाद में पॉइंट है? एक के बाद में पॉइंट लगा दो, क्या बचेगा? 20। इसका मतलब 20 किलोग्राम वेट है ना वो आदमी का बढ़ गया। ये बात क्लियर है? अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर नया आदमी आने से वेट बढ़ता है तो इसका मतलब वो ज्यादा वेट का आदमी है, और अगर वेट कम होता है तो इसका मतलब वो कम वेट का है। क्लियर है बात? अब वेट बढ़ा के कम हुआ है तो हमें जो जाने वाला आदमी था वो कितने का था? 56। इसमें 20 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ये हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर समझ में आया कि नहीं आया? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो, ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, सेम स्टेटमेंट पूछी गई है। अगर किसी बच्चे ने अब की बार एग्जाम दिया होगा अप्रैल 2023 का, तो उसमें ये कई शिफ्ट में पूछा गया था, अध्यापक को शामिल करने पर अध्यापक का भार कितना होगा, अध्यापक की आयु क्या होगी, अध्यापक की ऊंचाई क्या होगी, बहुत सारे शिफ्ट में ये पूछा गया था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, जल्दी से देख के बताओ क्या होगा। ये दोनों तरीके से बताऊंगा, इसका तुम्हें सब्जेक्टिव भी बताऊंगा और शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा। चलिए बोर्ड पे देख लो कैसे सोल्व करना है, देख लो सबका ध्यान बोर्ड पे, जब तुम्हें बोलू उस टाइम पे निकाला करो, तुम लोग बाद में बोर्ड पे देखा करो। एक कक्षा में कितने स्टूडेंट है? 20 स्टूडेंट है। कितने हैं? 20। और औसत भार कितना है?
32 गुना कर दो क्या हो जाएगा 640। 32 दूनी 64 होता है ना, इसका मतलब सारे स्टूडेंट है ना उनका टोटल वेट कितना है, यदि अध्यापक को शामिल करें स्टूडेंट कितने थे, अध्यापक और आ गया तो कितना हो गया 21, और औसत भार क्या हो जाता है, पहले कितना था और अब कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। भाई पहले 32 था, 2 किलो बढ़ गया तो कितना हो गया, अब क्या करना है 34 का और 21 का गुना कर दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 3 11, 1 3 दूनी 6 और 1 7 कितना हो गया 714 हो गया, कितना हो जाएगा 714। अब यहां पे ध्यान दो, जब ओनली 20 स्टूडेंट थे ना तो सबका वेट कितना था, और जब टीचर और आ गया तो कितना हो गया, अब 714 में से किसको माइनस करेंगे, कितना बचेगा 4, 11 में से 4 गया 7 और यहां पे 0, कितना केजी वेट हो जाएगा 74 केजी। समझ में आया कि नहीं आया, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा इससे भी शॉर्ट ट्रिक देख लो कैसे कर सकते हो, स्टूडेंट का औसत भार कितना है 32 किलो, कितना है स्टूडेंट कितने हैं, टीचर कितने हैं 1, तो टोटल कितने हो गए, और औसत कितना बढ़ गया 21 दूनी मतलब कितना वेट बढ़ गया 42, इस 32 में जोड़ दो, दौड़ दो 4, 4 और 3 ये आ गया आंसर, बस इतना भी निकाल सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया, आसान है, कर दोगे सोल्व, उड़ा दो फिर अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, और वही सेम क्वेश्चन है, इसमें हाइट का दे दिया, पहले वाले में वेट का दिया था, अभी हाइट का है, तो जल्दी से आंसर बताओ क्या हो जाएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारे बच्चे ट्राई करो कि सबका आंसर आ जाए, जिनको मैथ नहीं आता है बहुत डिटेल में समझा रहे हैं, बहुत शॉर्ट ट्रिक से समझा रहे हैं, कोशिश करो ये सारे क्वेश्चन आ जाए, अगर ये सारे क्वेश्चन भी कर लोगे तो मैथ्स में तुम्हारे कम से कम भी 12 या 13 क्वेश्चन है वो इजिली सोल्व कर सकते हो तुम, अगर ये सारे क्वेश्चन तुमने कर लिए हैं, अच्छे से इनको देखो समझो स्टेटमेंट को और उसके बाद में इनको सोल्व करो, बताओ जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा। चलिए बोर्ड पे ध्यान दो, सारे बच्चे कैसे सोल्व करना है, ये बोल रहा है एक कक्षा में कितने स्टूडेंट हैं 24 और उनकी औसत ऊंचाई कितनी है 180 सेंटीमीटर, अध्यापक की भी ऊंचाई जोड़ दी जाए तो औसत 0.25 कम हो जाती है, तो शिक्षक की ऊंचाई क्या है। अब देखो इसको कैसे करना है, पहले कितने स्टूडेंट थे 24 और सबका जो हाइट है वो कितना है 180 सेंटीमीटर, यहां पे गुना करो 24 का और 180 का, यहां पे एक जीरो रख दो साइड में, 8 चौके 32 कैरी कितना हो जाएगा 3, 8 दूनी 16 और 4 20, 20 और 3 कितना होगा 23 कैरी कितना होगा 2, 2 एकम 2 कितना होगा 4, ये हो जाएगा 4320। पहला स्टेप क्लियर सबको, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, यदि अध्यापक की ऊंचाई जोड़ दी जाए स्टूडेंट 24 टीचर और मिला दिया तो कितना हो गया औसत 0.25 क्या हो जाता है। अब ये बताओ 180 में से अगर 0.25 कम करोगे तो कितना बचेगा 75, यहां पे 75 हो जाएगा ना, यहां पे क्या हो जाएगा 9, यहां पे 7 और यहां पे 1, तो कितना हो जाएगा 179.75 हो जाएगा। अब इसकी गुना करनी है, अब देखो इसकी गुना कैसे करोगे, ये हो गया 25 गुना में 179.75, इसका पॉइंट हटा दो अपॉन में क्या होगा 100 काट दो, किस पे कट जाएगा 4 पे कट जाएगा। अब हमें क्या करना है 179.75 को किससे डिवाइड करना है 4 से, 4 चौके 16 कितना बचेगा 1, 4 चौके 16 कितना बचेगा 3, आगे क्या आ जाएगा 7, 4 निमे 36 कितना बचेगा 1, आगे क्या आएगा 4 3 12 कितना बचेगा 3, और ये पॉइंट लगाएंगे 0, 4 7 कितना हो जाएगा 28 और 4 5 20, तो कितना आ जाएगा 4493.75 ये आ जाएगा भाई, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या बताना है कि हमें टीचर की ऊंचाई बतानी, टीचर की ऊंचाई क्या हो जाएगी, अब इसको क्या करना है इसमें से माइनस कर देना है 4493.75, इसमें से माइनस करना है किसको 4320 को, तो यहां पे क्या रहेगा 0.75, यहां पे क्या रहेगा 3, 9 में से 2 गया
और चार में से तीन गया 173.75, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो सकता है पेपर का लेवल अगर थोड़ा सा ज्यादा दे, हाई दे थोड़ा सा, तो इस टाइप की थोड़ी लॉन्ग कैलकुलेशन दे सकते हैं, उसमें भी अगर तुम मिस्टेक नहीं करोगे, कट टू कट चलोगे बिल्कुल, तो फिर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका भी लगा सकते हो इसमें, जो पहले वाले क्वेश्चन में लगाया ना वही इसमें भी लगा सकते हो, लगा के देखे इसमें वो, चलो देखते हैं इसमें भी लगा के वो। स्टूडेंट कितने हैं और सबकी हाइट कितनी है, टीचर आने से क्या हुई है कम। अब ये बताओ 24 स्टूडेंट और एक टीचर तो कितना हो जाएगा, और सबकी हाइट कितनी कम हुई है 0.25। अब 25 की और 25 की गुना करो कितना होता है, और पॉइंट लगाएंगे कितने के बाद में, इसका गुना कितना हो गया 6.25। समझ में आया क्या? अब ये बताओ ये कम हुई कि ज्यादा, पहले स्टूडेंट की कितनी हाइट थी 180, अभी कम हुई है तो माइनस करेंगे कितनी 6.25। यहां पे पॉइंट लगा के 0.0 रख दो, 10 में से 5 गया क्या बचेगा 9, में से 2 गया 7, यहां पे क्या बचा 9, 9 में से 6 गया 3, यहां पे 7 क्या बच जाएगा, ये देखो ये आ गया आंसर 173.। बिल्कुल थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो तुम्हें समझाने के लिए बताया था, उसमें कैलकुलेशन ज्यादा है तो ये ट्रिक ध्यान में रखनी है, बिल्कुल इजीली आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो जाएगा सोल्व। चलो फिर अगले क्वेश्चन का आंसर निकालो अपने से। ध्यान से देख के आंसर निकालो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, तो हमें ये इन सभी क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है भाई। इतना डिटेल में इतना अच्छे से नहीं समझा रहे हैं कोई भी, तो ये जो मौका मिला है इस पे चौका लगा दो सारे बच्चे। किसी कक्षा के 11 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, यदि एक छात्र कक्षा से बाहर कर दिया जाए तो औसत आयु में 6 महीने की कमी हो जाती है, जो बाहर किया है उस स्टूडेंट की एज बतानी है, क्या हो जाएगा? दिमाग लगाओ शाबाश, थोड़ा सा जल्दी से बता दो सारे बच्चे क्या आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, सीखने की कोशिश करो, पूरे चैप्टर वाइज क्लास इसलिए चला रहे हैं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। 11 स्टूडेंट की एवरेज आयु है वो 15 वर्ष है, एक छात्र को कक्षा से निकाल दिया जाए तो औसत में 6 महीने की कमी हो जाती है, उस स्टूडेंट की आयु क्या है? बोर्ड पे ध्यान दो, देखो बिल्कुल इजीली डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से बता देता हूं, कितने स्टूडेंट हैं 11, एक स्टूडेंट को बाहर कर दिया कितना बच गया 10, सबकी एज में कितने की कमी होगी, तो ये बताओ जब एक बच्चे की 6 महीने एज कम होगी तो 10 की कितनी कम हो जाएगी 5 वर्ष। क्या ये बात क्लियर है सबको? जो स्टूडेंट गया है और जो यहां पे टोटल स्टूडेंट है उनका एज है, एवरेज एज कितना है, और ये 5 कम हुई कि ज्यादा, कम हुई है तो 15 माइनस 5 करो क्या बच जाएगा, ये हो गया आंसर। बस थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ, पेन की भी जरूरत ना पड़े। कितने स्टूडेंट थे 11, एवरेज क्या था 15, एक स्टूडेंट क्या हुआ बाहर कर दिया, कितने स्टूडेंट बचे, सबकी औसत आयु कितनी कम होगी, जब एक महीने की एक स्टूडेंट की 6 महीने आयु कम हुई तो 10 स्टूडेंट की कितनी कम हो जाएगी 5 वर्ष। एवरेज पहले क्या था 15, और कम हुई तो कितना बचेगा, अगर बोलता एवरेज बढ़ गया तो फिर कितना हो जाता 20 हो जाता। समझ में आया कि नहीं? यार उड़ा दो फिर अगले क्वेश्चन को, ध्यान देना और ध्यान से क्वेश्चन को समझ के करना भाई, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, राइट आंसर आना चाहिए पक्का। लगभग 22वें क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं हम, 2 दिन से चैप्टर चल रहा है, पार्ट 1 में बहुत डिटेल में तुम्हें समझाया है, अभी इसका आंसर आना चाहिए बिल्कुल सिंपल। एक दुकानदार 12 दिन में 504 रुपए कमाता है, शुरू के 4 दिन की औसत आय 40 रुपए है, बाकी के दिनों की औसत आय क्या होगी, बाकी डेज की उसकी हमें इनकम बतानी है, एवरेज इनकम क्या हो जाएगी, एवरेज इनकम ऑफ द रिमेनिंग डेज 44 होगा, 44 तो ऑप्शन में ही नहीं है। चलिए बोर्ड पे ध्यान दे लो सारे बच्चे, अब ये बताओ वो 12 दिन में कितने रुपए कमाए 504, ये बात क्लियर है क्या? ये एवरेज नहीं बताया, ये टोटल बता दिया कि 12 दिन में उसने टोटल कितने रुपए कमा रखे हैं 504 रुपए कमा रखे हैं, शुरू के 4 दिन की औसत है ना उसकी कितनी है 40, अगर हर रोज 40 रुपए कमाएगा तो 4 दिन में कितने रुपए कमाएगा, समझ में आए कि नहीं आई ये बात?
अगर एक दिन में 40 रुपए कमाएगा तो चार दिन में कितने कमाएगा, ये 160 माइनस कर देंगे, यहां पे क्या बचेगा चार, दस में से छह गया चार, यहां पे क्या बचेगा चार में से गया तीन, कितने रुपए बच गए। उसने कितने दिन काम किया था, 12 में से कितने दिन का निकाल दिया, चार दिन का, बाकी कितने बच गए 8 दिन। तो 344 को किससे गुना कर दो, 8 से भाग कर दो, 8 चौके 32 कितना बचेगा, आगे क्या आएगा 8 तिया क्या हो जाएगा, कितने रुपए हो जाएगा। समझ में आया क्या, आसान क्वेश्चन है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन देख के हाइपर नहीं होना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, स्टेटमेंट को दो बार पढ़ो। अभी लास्ट टाइम ये 10 मार्च को एक पेपर हुआ था, और 10 मार्च को पेपर हुआ उसमें क्या हुआ, हिंदी वाली स्टेटमेंट थी ना, वो उस क्वेश्चन की हिंदी वाली स्टेटमेंट इतनी घुमा फिरा के दे दी कि जो पेपर में बैठे थे 10 मार्च को उसमें 99% बच्चों ने वो क्वेश्चन गलत किया था वो, ठीक है। और वो क्वेश्चन अगर वे इंग्लिश वाली स्टेटमेंट पढ़ लेते ना तो इतना इजी था, उस 90 में से कम भी 50% बच्चे सही कर सकते थे। जब वो पेपर सोल्व करवाया बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे, सर बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हम इसको कर सकते थे, ठीक है। तो कभी भी जब तुम्हें लगता है ना कोई भी क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के दे रखा है, हो सके तो कोशिश कर लो अंग्रेजी वाली स्टेटमेंट भी पढ़ लो। इसमें बिल्कुल सिंपल बताया भाई, 12 दिन में टोटल कितने रुपए कमाए, पहले चार दिन की एवरेज कितनी है, एवरेज 40 है तो चार दिन में कितने कमाएगा, 12 दिन में 504 कमाए और चार दिन में 160, तो बाकी कितने बच गए, ये 344 कितने दिन के हैं। अगर ये पूछता बाकी रुपए कितने हैं तो अपना आंसर हो जाता 344। इसने पूछा बाकी दिनों का एवरेज क्या है, द एवरेज इनकम ऑफ रिमेनिंग डेज, तो हम क्या करेंगे 344 को 8 से डिवाइड कर देंगे, क्या आंसर बन जाएगा 43 बन जाएगा। चलो फिर अगले क्वेश्चन का आंसर बता दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और राइट आंसर आना चाहिए सबका, थोड़ा थोड़ा लेवल है, थोड़े से हार्ड टाइप के क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं, डरना नहीं है, जब इनको समझाएंगे तो तुम्हें पता लगेगा कि ये भी बहुत इजी है और तुम इनको सोल्व कर सकते हो। बताइए जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा, शाबाश। 13 कुर्सी और 5 मेज का मूल्य 8280 रुपए है, यदि प्रत्येक मेज का औसत मूल्य 1227 रुपए हो तो प्रत्येक कुर्सी का औसत मूल्य क्या होगा, यह बताना है। व्हाट इज द एवरेज प्राइस ऑफ ईच चेयर, जल्दी से बताओ क्या आंसर हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। स्टेटमेंट को पढ़िए ध्यान से, कोशिश करिए कि आंसर निकाल देंगे हम। शाबाश शाबाश शाबाश, ट्राई करो आंसर निकालने की। चलिए बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे, देख लो इधर क्या बोल रहा है, 13 कुर्सी और 5 मेज का जो कुल मूल्य है ना वो कितना है 8280 रुपए। क्या ये बात सबको क्लियर है क्या, ये 8280 रुपए किसका प्राइस है, कितनी चेयर 13 और मेज कितने 5, प्रत्येक मेज का औसत मूल्य 1227 है, एक मेज है ना वो कितने रुपए की है और मेज कितनी है अपने पास 5, पांचों का प्राइस निकाल लो, 5 × 7 = 35 कैरी कितना होगा, 5 × 10 = 3 = 13 कैरी कितना होगा, 5 × 10 = 11 कैरी क्या होगा, 5 × 5 = 6, वो जो मेज है ना वे कितने रुपए के हैं। हमें ये पता है भाई कुर्सी और मेज दोनों कितने रुपए के हैं, 8280 के, उसमें से अगर मेज का मूल्य हम माइनस कर दें किसका बच जाएगा, कुर्सी का बच जाएगा। 8280 में से अगर 6135 को माइनस कर दे, 10 में से 5 गया, 7 में से 3 गया, 4 यहां पे क्या बचा 1, और 8 में से 6 गया 2, कितना बच जाएगा 2145। अब ये बताओ ये 8280 रुपए किसका प्राइस था, कुर्सी और मेज दोनों का, मेज का कितना बचा 6135, इसमें से माइनस कर दिया ये क्या बच गया 2145, ये किसका है कुर्सी का। अब कुर्सी कितनी है 13, कर दो इसको 13 से डिवाइड, 13 × 13 = 13 कितना बचेगा 8, किस पे जाएगा 13 × 78 6 पे जाएगा, ये 78 हो गया, कितना बचेगा 6, आगे क्या आएगा 13 × 5 = 65। इसने क्या पूछा था, प्रत्येक कुर्सी का प्रत्येक प्राइस कितना आ जाएगा, समझ में आया कि नहीं यार, ये क्वेश्चन तुम्हें आते हैं लेकिन तुम माइंड को नहीं चलाते हो उस जगह पे, समझ में आई बात।
क्वेश्चन आसान है, तुम कर सकते हो इनको। अभी देखो जब तुम्हें बता दी ये सारी चीजें डिटेल में, आ गया ना तुम्हें समझ में। दोनों का प्राइस कितना था, एक मेज का कितना बता दिया और मेज कितने थे, पांचों का हमने निकाल दिया, कितना हो गया। अगर टोटल में से मेज वाला माइनस करेंगे तो किसका बचेगा, और ये कुर्सी का कितना बचा, और ये कुर्सी कितनी थी, और ये हमसे किसका पूछ रहा था, एक का, तो इसको डिवाइड कर देंगे क्या आ जाएगा 165। क्लियर है, हो जाएगा सोल्व। चलो फिर अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ, ध्यान से पढ़ो और आंसर बताओ भाई जल्दी से। पहले वाला जैसा क्वेश्चन है, पहले हमने ऐसा क्वेश्चन किया है तो अभी इसका राइट आंसर आना चाहिए पक्का। सिंपल क्वेश्चन है, तुम सोल्व कर सकते हो, इसको आंसर निकाल सकते हो। बताइए जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा, पेन की भी जरूरत ना पड़े, इतना इजी क्वेश्चन है और ऐसी शॉर्ट ट्रिक बता रखी है तुम्हें कि तुम इसको देखते ही उड़ा सकते हो। 65 होगा, देख लो इधर बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे भाई, कितने आदमी हैं और औसत क्या है, एक आदमी गया और एक आदमी रख लिया, ये बताओ क्या इस नंबर पे कोई फर्क पड़ेगा। जब एक आदमी बाहर जाता है एक आदमी आता है तो नंबर सेम रहता है ना, नया व्यक्ति आया है ना, इससे औसत भार 2 किलोग्राम क्या हो गया, बढ़ गया। अब ये बताओ जब एक आदमी का वेट 2 केजी बढ़ेगा तो 10 आदमियों का वेट कितना केजी बढ़ेगा, और जो आदमी गया था उसका वेट कितना था। अगर बढ़ गया तो इसका मतलब वो ज्यादा का है या कम का, ज्यादा का, जोड़ दो क्या हो जाएगा 65। ये आ गया बस आंसर, बताओ कितना टाइम लगा है, 10 सेकंड लग रही है। थोड़ा सा अगर ध्यान देके पढ़ोगे ना, बहुत आसान चैप्टर है ये, ठीक है, और 100% इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और ये बात एक नोट कर लेना, मैं जिस टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा ना उसका 50% भी तुम्हारे एग्जाम में उस लेवल का नहीं आएगा, ठीक है, इतना आसान आएगा एग्जाम के अंदर। हम बहुत आगे लेवल का कर रहे हैं तो वो तुम आराम से कर सकते हो। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है एकदम से और बिल्कुल इजीली आप आंसर निकाल सकते हो इसका, ठीक है। सारे बच्चे ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ के और उसका आंसर निकालिए। 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, यदि इनकी आयु का अनुपात 4:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु क्या होगी, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देख के आंसर बता दो क्या हो जाएगा। बारह होगा, सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताओ क्या हो जाएगा। देखिए 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, ठीक है, ध्यान दो थोड़ा सा, कितने लड़के हैं और औसत क्या है 16, इसका मतलब सबका टोटल एज कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं। कितने लड़के हैं, एवरेज क्या है, टोटल क्या हो जाएगा, तीनों का अनुपात है ना वो कितना है 4:5:7, हमें क्या बताना है सबसे छोटे लड़के की आयु, सबसे छोटा कौन है 4, तीनों का जोड़ कितना होगा 16 हो जाएगा, गुना में क्या लिखे काट दो, किस पे कटेगा 4 और 3 की गुना, क्या आंसर हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं। आसान है ना, चलो फिर अगले क्वेश्चन का आंसर बता दो जल्दी से, ये रिमाइंड हो जाएगा हमने पहले ऐसा क्वेश्चन कर लिया है, जल्दी से आंसर बताओ क्या हो जाएगा। यदि 28, 20, 18, 15, 35 और x का औसत 21 है तो x का मान क्या होगा, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, ये जल्दी से आंसर बता दो क्या हो जाएगा। यदि 28, 20, 18, 15, 35 और x का औसत 10 होगा, पक्का, चलो देख लो बोर्ड पे देख लो सारे बच्चे कैसे सोल्व करना है,
ये बोल रहा है यदि 28, 20, 18, 15, 35 और x का औसत कितना है। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, नंबर काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने नंबर है, 6। एवरेज क्या है, 21। क्या हो जाएगा टोटल, 126 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई सबको। अब ये देखिए 6 में से है ना 5 नंबर की वैल्यू तो इसने बता दी और a का क्या छोड़ दिया, x। हमें बताना है x का मान क्या होगा, तो इन पांचों को जोड़ लो तुम, 28, 20, 18, 15 और 35। 8 और 8 16 और 5 21 और 5 26 कैरी कितना होगा, 4, 5, 6, 3, 9 और 2 11। 116 को क्या कर देंगे, माइनस 6 में से 6 गया, 2 में से 1 गया, क्या आंसर आ जाएगा, x का मान है वो क्या हो जाएगा। क्लियर सबको? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है और सिंपल क्वेश्चन है, तुम्हारा आंसर आएगा 100%, 100% तुम्हारा आंसर आएगा। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट एवरेज निकालना है हमें, एक खिलाड़ी के जो एवरेज रन है ना वो बताने हैं हमें, एवरेज रन क्या होंगे। शाबाश शाबाश, ट्राई करो सारे बच्चे, ट्राई करो, सबका आंसर आ जाना चाहिए। 47, 34, 42, 10, 17 और 64 रन बनाए तो उसका औसत बताना, औसत क्या हो जाएगा। इतना टाइम नहीं लगाना, फास्ट कैलकुलेशन करो फास्ट। थर्टी फोर होगा, नन ऑप्शन होगा, इसका मतलब 35.5 पक्का। चलिए बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे, अब ये देख लो इधर बोर्ड पे ध्यान दो, पहली पारी में उसने कितने रन बनाए, 47, अगली पारी में 34, अगली पारी में फिर कितने बनाए 10, फिर और फिर कितने बनाए, सबको क्या करेंगे प्लस करेंगे, 7 और 4 11 और 2 13, 13 और 7 20, 20 और 4 24, कैरी कितना होगा, 4 3 7, 7 और 4 11 और 1 12 और 1 13 और 6 19, 19 और 2 21, उसने टोटल कितने रन बनाए। अब देखो इनिंग कितने खेले, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, कितनी पारी खेली है, 6, तो किससे डिवाइड करेंगे, 6 से, 6 तिया कितना होगा 18, कितना बचेगा 3, किस पे जाएगा 5 पे, 6 5 6 कितना हो जाएगा 30, कितना बचेगा, 4 पॉइंट लगा के 0 रख दो, अब किस पे जाएगा 6 पे, तो क्या आ जाएगा 35.6 आ जाएगा, 35.6 आ जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, नन बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, मिस्टेक नहीं करना है, अगर ये नन ऑप्शन नहीं होता ना तो फिर इसको भी कर सकते थे, लेकिन अभी एक्यूरेट की जगह पे इसने क्या दे दिया, नन, तो फिर हम नन के साथ में जाएंगे। क्लियर है सबको? चलो फिर उड़ा दो जल्दी से क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन करवाया था ना, उस टाइम पे तुम्हें मैंने ये बातें बताई थी, ये क्या हो जाएगा पक्का श्योर। ये देखिए इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन बताया था और उसमें भाग करने वाला था, अभी ये देखो क्या बोल रहा है, कितनी संख्या, हमें संख्याओं से लेना देना नहीं है, चाहे ये 15 बोलो 10 बोलो 5 बोलो कोई मतलब नहीं है, एवरेज कितना है। यदि प्रत्येक संख्या को यदि ईच नंबर का आ जाए तो उस टाइम पे जो भी कार्रवाई होगी वो एवरेज के साथ में होगी। अब ये क्या बोल रहा है, किससे गुना करना है, अब हमें गुना करनी है 2.5 और गुना में क्या करना है 8। 25 की और 8 की गुना क्या होती है, पॉइंट कितने अंक के बाद में है, 1 के बाद में पॉइंट लगा दो, क्या आंसर बन जाएगा 20, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं यार, क्लियर है सबको। चलो फिर शाबाश, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, स्टेटमेंट को पढ़ो और स्टेटमेंट को पढ़ के और ध्यान से इसका राइट आंसर बताना क्या हो जाएगा। एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है, कक्षा के सभी छात्रों की औसत आयु क्या होगी, ये बताना है भाई। ध्यान से देखो और ध्यान से देख के आंसर बताओ, शाबाश, क्या हो जाएगा। एक कक्षा के 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है, सभी बच्चों की औसत आयु बतानी है, क्या हो जाएगा। बहुत टाइम लगा रहे हो, इतना टाइम नहीं लगाना है, कैलकुलेशन तेज करनी है थोड़ी। 200 आ रहा है, चलो देखते हैं 200 आएगा क्या क्या आएगा। चलिए बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे, एक कक्षा में कितने लड़के हैं 30, और सबका औसत आयु कितना है
सोलह थी 48 टोटल क्या हो गया, लड़कियां कितनी हैं 20 और उनका औसत आयु कितना है, तो टोटल कितना हो जाएगा 280। अब ये क्या बोल रहा है, सभी का बताना है, जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा 0, 16 क्या हो गया 760। अब 760 30 लड़के और 20 लड़कियां, टोटल कितने हो गए 50। अब हमें निकालना है 760 अपॉन में 50, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, क्या बच गया 76। 76 को किससे डिवाइड करना है, 5 एकम 5 कितना बचेगा, आगे क्या आएगा 6, 5 5 25 कितना बचेगा, एक पॉइंट लगाएंगे, जीरो रखेंगे, 5 दूनी 10 कितना आ जाएगा, ये आ गया 15.2। 200 कहां से आ रहा है, घटा दिए हैं, घटाना नहीं है, सबका बताना है, 30 लड़के और 20 लड़कियां टोटल कितने हो गए स्टूडेंट, और सबका जो आयु है टोटल कितना हो गया 760। एवरेज कैसे निकालते हैं, सभी का जोड़ तो कितना हो गया और टोटल नंबर कितने 50, डिवाइड कर देंगे क्या आ जाएगा 15.2 आ जाएगा। क्लियर है सबको, चलो फिर ये क्वेश्चन बता दो जल्दी से, फिर क्लास को फिनिश करेंगे, जल्दी से आंसर बता दो क्या हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है ये, इस पार्ट टू का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद में होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन रहेगा और फिर क्लास को एंड करेंगे, तो जल्दी से सारे बच्चे ट्राई करो कि करेक्ट आंसर निकाले इसका, इससे ज्यादा हाई टाइप के तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएंगे, बहुत अच्छे से तुम लोगों ने अगर ये दोनों पार्ट कर लिए आराम से तुम्हारा एग्जाम है वो कवर हो जाएगा इसमें, बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। चलो समझ लो एक क्वेश्चन, तुम लोग फिर होमवर्क है उसका ट्राई करना, ये बोल रहा है 20 संख्याओं का औसत कितना है 30, कितने नंबर हैं 20 और एवरेज क्या है 30, तो इसका मतलब टोटल कितना हो गया 600, ये बात क्लियर है। बाद में पता चला उनमें से दो संख्या 12 और 21 के स्थान पर, एक तो नंबर लेना था 12 और एक क्या लेना था 21, और इसने ले लिया क्या 56 और कितना ले लिया 65, ठीक है ध्यान देना सारे बच्चे, नया क्वेश्चन लगेगा तुम्हें ये, तो इन दोनों को जोड़ दो ये कितना हो जाएगा 33, और इन दोनों को जोड़ दो ये कितना हो जाएगा 6 और 5 11, 6 और 5 11 और 1 12, यहां पे नंबर लेने तो थे 33 और गलती से ले लिए कितने, अब ये बताओ ज्यादा ले लिए या कम, ज्यादा ले लिए, कितने ज्यादा ले लिए, 121 में से 33 को माइनस कर दो, 11 में से 3 गया 8 और 11 में से 3 गया 8, क्या आ जाएगा 88 आ जाएगा, ठीक है इसका मतलब क्या है, इसमें कितने ज्यादा हैं 88 ज्यादा है। अब क्या करेंगे, इसमें से 88 माइनस कर देंगे, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 8 गया 1, यहां पे क्या बचा 5, कितना बच गया 512, ये कितना बच गया 512, अपनी संख्या कितनी थी 20, कितनी थी 20, 20 से डिवाइड कर दो 20 दूनी 40, कितना बच जाएगा 11, अब किस पे जाएगा 5 पे, 20 पाँचे 100 कितना बचेगा 12, पॉइंट लगाएंगे जीरो रख देंगे, 20 का कितना हो जाएगा 120 क्या आ जाएगा 25.6 आ जाएगा, नन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ये पूछ रहा था इसका सही औसत क्या होगा, तो सही औसत क्या हो जाएगा 25.6, ठीक है 20 संख्याएं थी सबका टोटल एवरेज था वो कितना 30, तो हमने 20 और 30 की गुना कर दी टोटल कितना बन गया, उसके बाद में एक संख्या लेनी थी 12 और एक लेनी थी 21, तो दोनों कितनी होगी 33, हमें लेनी तो थी 33 और ले लिया कितना 56 और 65, तो 6 और 5 11, 6 और 5 11 और 1 12, मतलब हमें जहां पे 33 लेना था ना उधर 121 ले लिया, इसका मतलब क्या हुआ, हमने कितना ज्यादा ले लिया 88 ज्यादा ले लिया, तो 600 में से 88 को माइनस कर दिया, कितना बच गया 512, अब ये 512 है, नंबर तो कितने हैं 20, एवरेज बताना है तो 512 को 20 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 25.6 आ जाएगा, क्लियर है सबको, ये आ गया है यहाँ पे लिखा हुआ आपका होमवर्क, ठीक है अभी मेरी तरफ से ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है, इसको हमने दो पार्ट में कंप्लीट किया, पार्ट वन और पार्ट टू में, ठीक है तो ये लगभग हमने 30 से 32 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, सारे बच्चे इन सभी क्वेश्चन को सोल्व करके देखना है, कॉपी के अंदर इनको नोट कर लेना है, जो शॉर्ट ट्रिक लगाई है उनको स्क्वायर में या स्टार में या हाईलाइट करके सोल्व कर लेना है, आगे नेक्स्ट चैप्टर उसको शुरू करेंगे, अभी तक जितने भी चैप्टर हुए हैं उन सभी को रिवाइज करते रहिए, 100% आपका एग्जाम कवर हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही,
फिर करेंगे एक नया चैप्टर और अच्छा कंटेंट। तब तक सभी को जय हिंद, जय भारत।